आज अप्रैल 13 है और मैं इस वक्त सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड कनाडा में हूँ। आज यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर इस वक्त 15 से 16 डिग्री तक है और यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छा मौसम है। काफ़ी अरसे बाद बाहर निकल के बहुत अच्छा फील हो रहा है और बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें ये फूल भी निकल रहे हैं जो कि इस चीज़ का साइन है कि स्प्रिंग सीज़न है अभी और समर के आने की तैयारियाँ हैं। ये देखें कितने अच्छे फूल निकल आए हैं और सारी जो बर्फ़ थी वो इस वक्त मेल्ट हो चुकी है। सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड बहुत ही पुरसकून शहर है, आप ये देख सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पैदल निकला हुआ हूँ बाहर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुकून है। और इसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, जिस तरह अभी मैं वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ कोई ये डर और खौफ नहीं है कि कोई आएगा और आपसे आपका मोबाइल फ़ोन छीन लेगा। सो बहुत ही पुरसकून जगह है और क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये स्कूल है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ पे आज इस वक्त छुट्टी है और ये स्कूल छुट्टी की वजह से आज बंद है। मैं यहाँ से शॉर्टकट ले रहा हूँ, मुझे एक्चुअली अपने बैंक जाना है। मौसम अच्छा था तो मैं पैदल ही निकला हुआ हूँ, मैंने कहा कुछ वॉक हो जाएगी और मौसम भी इंजॉय हो जाएगा। सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड जो है ये कनाडा का मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट है और ये अगर आप ईस्ट की तरफ से कनाडा का आगाज़ करें तो ये पहला शहर सेंट जॉन्स है। और पता नहीं आप में से कितने लोग इस शहर से वाकिफ़ होंगे या न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस को जानते होंगे, क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान में ज़्यादा लोग टोरंटो की वजह से ओंटारियो को जानते हैं, वैंकूवर की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया को जानते हैं, कैलगरी की वजह से अल्बर्टा को जानते हैं, तो शायद बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोविंस के बारे में जानते हों। और इस शहर की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि लास्ट ईयर जो ओशन गेट कंपनी की तरफ से टाइटन नामी सबमर्सिबल आबदोज जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, जो बाद में हादसे का शिकार हो गई थी, उसने अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड की हार्बर से किया था। और जो टाइटैनिक शिप था उसका मलबा यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी पर मिला था, जिसके बाद अब जो भी कोई टाइटैनिक का मलबा देखने जाना चाहता है वो अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड के हार्बर से ही करते हैं। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है और समंदर के पास होने की वजह से यहाँ की जो आबो हवा है वो बड़ी मुतदिल रहती है और सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, लेकिन ये है कि हवा अगर ना चले तो फिर आपको इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती, लेकिन अगर हवा चले तो फिर विंड चिल की वजह से आपको सर्दी फील होती है। लेकिन इसमें यह है कि आप घर में अगर हैं तो घर में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बाहर जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे तो कोई इशू नहीं है आपको, जो थोड़ा सा टाइम आपने बाहर निकलना है गाड़ी तक जाने का उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपने जब अपने आप को प्रॉपरली कवर किया हुआ है। बाकी यह है कि अगर हवा ना चले
तो फिर माइनस टेम्परेचर में भी कोई ख़ास सर्दी फील नहीं होती यहाँ पे। बाकी ये स्प्रिंग सीज़न जो है ये बहुत ही मज़े का है। इस वक्त हवा चल रही है लेकिन बिल्कुल सर्दी फील नहीं हो रही। अगर यही सर्दियों का मौसम होता और हवा ऐसे चल रही होती तो मैं ऐसे पैदल बाहर नहीं जा सकता था। बाकी आगे जो समर के महीने हैं, 2 जुलाई और अगस्त, उसमें यहाँ पे टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री तक चला जाता है। और ये मेरा पहला समर होगा यहाँ पे और मुझे लगता है कि यहाँ समर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है, इसका नाम सोबीज़ है और यहाँ पे अक्सर हम ग्रोसरी करने के लिए आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ से हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको इंडिया या पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे और भी अरेबिक और इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर्स हैं जहाँ से आपको पाकिस्तानी मसाले और पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे इस वक्त ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, देसी मील, जहाँ से आपको इंडियन और पाकिस्तानी खाने मिल सकते हैं और इवन यहाँ से आपको शान के मसाले पाकिस्तानी भी मिल जाते हैं। और साथ में इसके एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। और अगर मैं दूसरी साइड पे आऊँ तो दूसरी साइड पे यहाँ पे ये फर्नीचर का स्टोर है, लियोन्स, और ये डॉलरामा स्टोर है जिससे आमतौर पे 1 डॉलर स्टोर भी बोलते हैं। मैं ये भी सोबी स्टोर्स में गया था। एक्चुअली मुझे दूध चाहिए था घर के लिए, तो अभी बस मैं यहाँ से दूध लेके निकला हूँ। अभी मैं उस घर की तरफ जाऊँगा और धूप अभी चली गई है, बादल आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है वो स्टिल 15 डिग्रीज़ है और बिल्कुल भी आज जो है वो सर्दी फील नहीं हो रही यहाँ पे। बाकी सेंट जोन्स जो है बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत पुरसकून शहर है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत वार्म वेलकमिंग हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपको हर मामले में हेल्प आउट करें। वो ये समझते हैं कि आप यहाँ पे नए आए हैं, अपने मुल्क से आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आए हैं, यहाँ पे नए हैं, आपको यहाँ की चीज़ों का अभी इल्म नहीं है, तो वो हर स्टेप पे आपको गाइड भी करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात देखी है मैंने इन लोगों में। इससे पहले मैं वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग इस तरह से नहीं हैं। वहाँ पे किसी को भी किसी की परवाह नहीं है और कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप यहाँ पे नए हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है या आप किसी मुश्किल में तो नहीं हैं। यहाँ जो आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, इवन वो बहुत केयरिंग होते हैं। वो भी बनाएंगे, आपके डोर पे आएंगे, नॉक करेंगे, आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे और वो देखेंगे कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है आप, और वो आपको हेल्प आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इसको ओंटारियो या ब्रिटिश कोलम्बिया के साथ, तो यहाँ पे अकोमोडेशन सस्ती है और उन प्रोविंसेस के मुकाबले में। और यह है कि अभी पिछले 1 साल से कुछ यहाँ पे क्राइसिस थे अकोमोडेशन के, क्योंकि यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। यहाँ पे मेमोरियल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है अटलांटिक कनाडा की, जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। उसकी कुछ वजह ये भी थी कि यहाँ की जो इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी थी वो बाकी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में कम थी, लेकिन अभी मेरे सुनने में आ रहा था शायद मेमोरियल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी फ़ीस को इनक्रीज़ कर दिया है।
और बाकी ये है कि यहाँ पे उस तरह आपको इंडियन और पाकिस्तानी लोग नहीं मिलेंगे जिस तरह वैंकूवर या टोरंटो में है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने देसी लोग मिल जाएंगे। और खाने पीने में हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे, और खाने पीने के हवाले से भी कोई किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता है यहाँ पे। और बाकी क्राइम के हवाले से मैंने आपसे पहले ज़िक्र कर दिया कि जो क्राइम रेट है यहाँ का वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। और ये कि यहाँ की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस के साथ। मैं अकोमोडेशन के हवाले से बात कर रहा था, तो अगर टू बेडरूम अपार्टमेंट या टू बेडरूम घर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मिलेगा $1200 से $1300 में, तो वही सेम अकोमोडेशन अगर आप वैसी ही अकोमोडेशन अगर आप टोरंटो या वैंकूवर जैसे शहर में लेना चाहेंगे तो आपको $2000 से कम में नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे जो रेंटल प्राइसेस हैं वो पिछले एक डेढ़ साल से 20 से 30% इंक्रीज़ हो गई हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे दूसरे कनाडा के बड़े शहरों की नस्बत स्टिल जो अकोमोडेशन है वो आपकी उस तरह एक्सपेंसिव नहीं है। और यहाँ पे जो हाउसेस की प्राइसेस हैं अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वही घर जो वैंकूवर या टोरंटो में आपको 12 या 14 लाख का डॉलर्स का मिल रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह का घर यहाँ पे आपको ईज़िली 4.5-5.5 लाख डॉलर में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी जगह है अगर आप नए इमिग्रेंट आ रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और बाकी जो शहर है न्यूफाउंडलैंड का सेंट जॉन्स, जो कैपिटल सिटी भी है यहाँ का, ये एक अच्छा डेवलप्ड सिटी है। आमतौर पे शायद लोग समझते होंगे कि न्यूफाउंडलैंड एक बड़ा कोई जिसको बोलते हैं बहुत कोई दूर का इलाका है कनाडा का, तो नो डाउट ये कनाडा का एक कॉर्नर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस से पीछे है। तो यहाँ पे आप बल्कि देख रहे होंगे वीडियो में भी बहुत डेवलप्ड सिटी है ये भी, और हर तरह की फैसिलिटीज़ और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। मैं अब तकरीबन अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ, और वॉक करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं जब भी मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे वॉक की जाए, क्योंकि एक तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना सुकून है, ये कोई उसका इंडिया या पाकिस्तान की तरह ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना साफ़ सुथरा है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई मिट्टी धूल या जो डस्ट है, जिस तरह वहाँ पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में पॉल्यूशन है, उस तरह की कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो जब आप वॉक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, और प्लस ये चीज़ आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। तो चलें जी, मेरी मंजिल आ गई है, मेरा घर आ गया है, तो मेरी तरफ़ से आपको खुदा हाफिज़, और फिर दोबारा किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए।